सभी राज्यों में सरकारों के संसाधनों के अतिरिक्त विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने की कोशिशें हो रही हैं। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई राज्यों ने इन साइजेबल इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के बाद प्रदेश के विकास में उसमें गति देने की में सफलता भी हासिल की है। हिमाचल इन सारी चीजों में पीछे है, जिसके चलते सरकार ने तय किया है कि यहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करके विकास को गति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट का स्थान धर्मशाला रखा गया है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। इस मीट का मुख्य उद्देश्य हर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आए, देश के अंदर से हो या बाहर से। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि बाहरी देशों से निवेश की आने की संभावना बढ़ी है। इन्वेस्टर मीट आज तक का धर्मशाला का सबसे बड़ा इवेंट होगा। चंडीगढ़ में सरकारी गाड़ी में 2.5 लाख रुपए चोरी होने के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जो हुआ उस पर FIR दर्ज करवाई गई है। रही बात मंत्री के संबंध की, तो उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि इस मामले को राजनीतिक दृष्टि से देखना इतना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए धर्मशाला कागजों व भाषणों तक सीमित है, जबकि प्रदेश सरकार ने धरातल पर धर्मशाला के विकास की बात की है। कांग्रेस के लोग भाषणों और कागजों में ही धर्मशाला का जिक्र करना उचित समझते हैं, जबकि भाजपा ने धर्मशाला के महत्व को देखते हुए साल में 2 बार PM को बुलाकर विकास को गति प्रदान करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में एक विदेशी जोड़े ने मंदिर में विवाह किया है। दूल्हा दुल्हन दोनों ही नेपाली मूल के हैं। आजकल पूरे प्रदेश में विवाह और शादियों का माहौल है। लोग दिखावे के लिए लाखों रुपए विवाह व शादियों पर खर्च करते हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां करने पर पैसा खर्च किया जाता है। वहीं पर बड़े ही सादे अंदाज में नेपाली मूल के इस युवक व युवती ने मंदिर में शादी करके युवाओं को एक मिसाल भी पेश की है। बिना खर्च से और बिना लेन देन के ये विवाह सम्पन्न हुआ। हालांकि ये युवक व युवती नेपाली मूल के हैं और पंजाब के रोपड़ में रहते हैं। इनके पिता रामजी बहादुर का कहना है कि वे दोनों बड़े सादे अंदाज में शादी करना चाहते थे और माताजी के दरबार को इन्होंने अपने विवाह के बंधन के लिए चुना और विधि पूर्वक फेरे लेकर विधि विधान से दोनों ने शादी के संबंध में अपने आप को बांधा। माता रानी इन्हें आशीर्वाद दे और माता रानी की कृपा इन पर बनी रहे। बेशक हिमाचल सरकार ने बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए बंदरों को बर्मिन घोषित करके इन्हें मारने पर प्रतिबंध हटा दिया है, लेकिन आस्था के चलते बंदरों का शिकार करने वालों की कोई जहमियत नहीं उठा रहा है, जिससे प्रदेश में बंदरों की संख्या में लगातार वृद्धि भी होती जा रही है। सरकार द्वारा बंदरों की संख्या में कमी लाने के लिए बंदर नसबंदी केंद्र तक स्थापित किए गए थे, लेकिन बंदर नसबंदी के आंकड़े महज कागजों तक ही सीमित हैं। धरातल पर लगातार बंदरों की संख्या में बढ़ोतरी भी होती जा रही है, जो विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। जिला ऊना में इन दिनों बंगाणा उपमंडल में बंदरों के आतंक से नलवाड़ी गांव के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण बंदरों के उत्पात से खेतीबाड़ी छोड़ चुके हैं, क्योंकि बंदर फसलों की बिजाई के साथ साथ बीजों को उखाड़ना भी शुरू कर रहे हैं, जिससे किसानों के खेत खाली हो जाते हैं। नलवाड़ी गांव के बाशिंदों की माने तो बंदर इतने खूंखार हो चुके हैं कि कई बार घर में घुसकर उत्पात मचाते हैं। यही नहीं, बंदरों के कारण वे अपने बच्चों को अकेला स्कूल नहीं भेजते हैं, क्योंकि बंदर बच्चों को काटने के लिए भी पीछे दौड़ पड़ते हैं। यही नहीं, बंदर पहले भी कई बार ग्रामीणों पर हमला कर चुके हैं। ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार से बंदरों की समस्या से निजात दिलवाने की गुहार भी लगाई।
त्योहार का पीक सीजन चल रहा है, लेकिन बाजार आर्थिक मंदी से नहीं उबर पाया है, जिसके चलते सोलन व्यापारी ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं और उनके माथे पर शिकन की लकीर दिखाई दे रही है। व्यापारियों ने कहा कि बाजार में मंदी काफी दिनों से चल रही है। उन्होंने उम्मीद की थी कि त्योहार आते ही कुछ मंदी जरूर कम होगी, लेकिन त्योहार का सीजन खत्म होने वाला है, उसके बावजूद बाजार में मंदी वैसी की वैसी ही है। उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि वे जल्द ही आर्थिक मंदी से निपटने के लिए कुछ कारगर कदम उठाए, अन्यथा घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। सोलन के व्यापारियों का मानना है कि जीएसटी और नोटबंदी आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इनकी वजह से बाजार में मंदी आई है और ग्राहक अब सेविंग मोड में चले गए हैं और यही वजह है कि बाजार में आर्थिक मंदी छा गई है। उन्होंने कहा कि सभी त्योहार निकल चुके हैं, अब शादियों का सीजन चल रहा है, जिसकी वजह से लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन ये खरीदारी केवल खाना पूर्ति की हो रही है, लेकिन मंदी जस की तस बनी है।